व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको सिखा रही हूँ प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करना 620 के। उसके लिए 620 को यहाँ पे लिखे, लास्ट डिजिट है आपके पास जीरो, तो हम यहाँ पे टू फैक्टर ले सकते हैं कि नहीं। उसका हम लोग जो डिसीजन इस बेस पे लेंगे कि लास्ट डिजिट, अगर हम यहाँ पे टू फैक्टर लेते हैं उसके लिए लास्ट डिजिट चेक करें जीरो है, तो उसके लिए 0, 2, 4, 6 या 8 होगा लास्ट पे, तो हम यहाँ पे टू फैक्टर ले लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जीरो था, इसलिए हमने यहाँ पे टू ले लिया। टू के टेबल में 6 आता है, यस 3 जार, टू के टेबल में 2 आता है, 1 जार, टू के और ये जीरो का जीरो वैसे ही आ जाएगा। फिर जीरो आ रहा है तो इसका मतलब आप यहाँ पे फिर से टू ले सकते हैं। टू के टेबल में 3 नहीं आता, अब क्या करें, 3 कट होके 3 से छोटा 2 ही आता है, तो 2 1 जार 2 आ जाएगा। ये कट होके जब 3 से 2 बना, इसका 1 कहाँ गया, इसने इसको कैरी दे दिया, ये बन गया 11। टू के टेबल में 11 आता है, नो 11 से छोटा क्या आता है, 10 आता है, तो टू के टेबल में 10 आ गया, 5 जार, ये 11 था, 10 बना, इसका 1 कहाँ गया, इसने इसको कैरी दे दिया, बन गया 10। टू के टेबल में 10 आ गया, 5 जार। अब आप यहाँ पे फिर से 2 ले सकते हैं, नो, क्योंकि लास्ट डिजिट तो हमारे पास 5 है, उसके लिए तो 0, 2, 4, 6 या 8 होता, तो हम यहाँ पे 2 ले लेते हैं, लेकिन 5 है तो 2 नहीं लेंगे। अब 3 फैक्टर लेंगे कि नहीं, 3 का ये रूल होता है आपने डिजिट्स को प्लस करना, प्लस करके अगर तो कोई ऐसा नंबर आ रहा है जो कि 3 के टेबल में आ रहा है, तो यहाँ पे 3 ले लें। 5 में 5 प्लस करें 10, 10 में 1 प्लस करें 11, तो 3 के टेबल में तो 11 नहीं आता, इसका क्या मतलब है, 3 फैक्टर भी रिजेक्ट हो गया। अब 5 में देखेंगे, 5 फैक्टर के लिए ज़रूरी होता है लास्ट डिजिट 0 हो या 5 हो, तो आपके पास तो 5 है, इसका मतलब हम यहाँ पे 5 ही लेंगे। 5 के टेबल में 15 आता है, 3 जार, 5 के टेबल में 5 आता है, 1 जार। हम यहाँ पे फिर से 5 ले सकते हैं, नो 5 नहीं ले सकते, क्योंकि लास्ट डिजिट तो 1 है, हमारे पास 0 या 5 तो नहीं है। 7 ले सकते हैं, 7 के टेबल में 4 जार 28 होता है, 7 5 से 35 होता है, 31 नहीं आता, इसका क्या मतलब है, हमने चेक किया 2 के टेबल में नहीं आया, 5 में नहीं आया, 3 में नहीं आया, 7 में नहीं आया, जो नंबर इन चारों से किसी टेबल में किसी उसमें नहीं आता टेबल में, इसका क्या मतलब है, वो प्राइम नंबर होता है, वो फिर से वो अपने टेबल में आएगा। 31 आ जाएगा, प्राइम फैक्टर 620 के आ जाएंगे, 2 × 2 × 5 × 31। तो मैंने प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करना सिखाया आपको 620 के। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।